हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लेके आए हाउ वन पाकिस्तानी आर्मी सोल्जर स्टॉप टेररिस्ट ड्यूरिंग एपीएस अटैक का रिएक्शन। एंड ये जो एक इंटरव्यू टाइप है और लोगों ने बताया कि लाइक आप जैसे हमने सॉन्ग्स बहुत सारे देखे थे एंड किस तरीके से वो पेट्रियोटिक सॉन्ग्स थे और वो एक बहुत ही एक अच्छा टच बताते, काफ़ी सारे पॉजिटिविटी फैलाते थे। तो यहाँ पर ये वाली जो चीज़ है, ये इंटरव्यू बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए क्या उस बंदे का था और यह कि आर्मी सोल्जर जो थे ये मेन वहाँ पर जाके उन्होंने रोका है और अटैक को किस तरीके से देखा, इन्होंने क्या चीज़ देखी, क्या समझा, बिकॉज इनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला होगा तो इनका सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और देखते हैं क्या कहते हैं। और यार मैं ना सीरियसली, आप अपने आप को शोल्डर की जगह लेकर जगह, अगर आपको अपनी लाइफ का एक छोटा सा डिसीजन लेना है, ठीक है, आप लोगों को ना डर लगता है और साथ में आप तो हो ही और वो आपकी लाइफ का मेन डिसीजन और पीछे आप लोगों की वजह से बहुत लोगों की जान जाने वाली, कुछ ऐसा होने वाला है तो आपके साथ वो लोग भी जुड़े, कनेक्ट है कहीं ना कहीं, तो आपको ना बहुत डर लगता है कि यार कैसे डिसीजन ले, क्या ले, है ना। जब हम लीडर एज अ लीडर रोल प्ले करते बहुत डर लगता है, तो यार ये तो आर्मी ऑफिसर है, ठीक है, इनको तो इतने लोगों बच्चों की जान बचानी थी, तो इन्होंने जो डिसीजन लिया होगा, पहली बात तो इन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, पहली बात तो वो डिसीजन जो लिया है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो इतने बच्चों की जान जाएगी, ये वो, और पीछे अपने साथ जितने उनके बाकी सोल्जर्स है उनको मतलब बेसिकली हैंडल करना है, तो ये सारा ना एक लीडर पर हो जाता है। अगर लीडर आपका अच्छा है तो फिर ही आपकी बाकी जनता ठीक चलेगी, तो ये बहुत ज़्यादा देखा जाए इनके लिए बहुत प्रेशर वाला मोमेंट होगा कि यार क्या करूँ क्या नहीं करूँ, और सीरियसली उस टाइम जैसे लगता है कि जान अटक जाती है। और आप अपने आप को ना इनकी जगह लेकर सोचो कि मतलब अगर आप पर ऐसा कभी आ गया तो आप क्या करोगे, और उस टाइम आप जब टेंशन में होते हो ना, सबसे इंपॉर्टेंट इंसान का पर्सनैलिटी तब देखी जाती है अच्छे से, जब वो टेंशन में अच्छा डिसीजन लेता है ना। तो मुझे सबसे अच्छी सोल्जर्स की यही चीज़ लगती है कि यार वो टेंशन में भी बहुत अच्छा डिसीजन लेता है, और तभी यार हम लोगों को वो देश को मतलब रखते हैं, सेफ रखते हैं। तो देखते हैं ये वीडियो कैसे होने वाली है भाई, तो वो चीजें भी देखने को मिलेगी, देखते हैं। फिर आप भी देखो, हम भी देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। सलमान है चीफ नेशनल सिक्योरिटी कॉरेस्पॉन्डेंट दुनिया टीवी, और उसके अलावा महाशो के एंकर भी होते हैं ये। इस सब के साथ साथ 16 दिसंबर को ये पहले पाकिस्तानी मीडिया पर्सन थे जो के आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर दाखिल हुए थे, मीडिया पर्सन थे खत्म होने के फौरन बाद। वजाहत सईद खान हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू सो मच वजाहत। वजाहत, आप फर्स्ट पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थे जो के एपीएस में दाखिल हुए। हाँ जी, आई वाज अमंगस्ट द फर्स्ट। और अगर आप मेरा नज़रिया जानना पसंद करेंगे तो मेरी कहानी शुरू होती है उस सुबह जिस दिन ये अटैक हुआ है। मैं डेस्क पे बैठा हुआ था और अक्सर टिकर पहले नज़र आते हैं किसी भी सहाफ़ी को, हमारे सब डेस्कों पे टीवी लगे होते हैं, मगर उस दिन एक दोस्त था जो ड्यूटी पे था पेशावर में, एक फोर्स से उसका ताल्लुक है, उसका मैसेज आया। उसने कहा यार कोई मामला ख़राब हो गया है, टीवी लगा लो। उस वक्त टीवी पे कुछ नहीं आया था, और हमने जब आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक हमने किया तो एक भयानक सी फीलिंग डेवलप होना शुरू हुई। उसी वक्त हमने डिसीजन लिया, मैंने कहा लेट्स गो। मगरिब तक हम जब पहुँचे हैं पेशावर, तो उस वक्त जो डेड टोल है वो क्रॉस कर चुकी थी 100। फौज ने भी अनाउंस कर दिया था कि ऑपरेशन जो है जो जारी हो गया था चंद मिनट बाद वो ख़त्म हो गया। पहले तो मैं स्ट्रेट स्कूल गया हूँ, उधर मैंने फौज के साथ वैसे भाई बहुत अरसा काम किया है, कवर करता हूँ, मेरी फौज है, जानता हूँ मैं, मगर उस दिन जो बॉडी लैंग्वेज इवन जो संतरी खड़े हुए थे ना उनकी थी, मैंने ऐसी बॉडी लैंग्वेज नहीं देखी। दूसरी तरफ CMH गए, जो सर्वाइवर्स थे, जो लड़के बेचारे 16, 15, 14, किसी को इधर गोली, किसी को दो, किसी को तीन, जिनसे हमने बात की, उससे मुझे लगा कि कुछ कोई इस मुल्क का कुछ नहीं कर सकता। क्यों यार? बड़ा मतलब यार, आपको 14 साल का लड़का बोले कि वजाहत भाई आस्क एनीथिंग यू वांट टू आस्क, इधर उसका रेस्पिरेटर लगा हुआ है, कहता जो आपने पूछना पूछे। आई वॉज द, मैंने हर चीज़ देखी है, मैं आपको बताऊंगा, और मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं कि आप अपने टीवी पे चलाएं कि आई एम स्टिल अराउंड, वी आर स्टिल अलाइव। जब हम सुबह गए उस वक्त तक वो खून नहीं साफ हुआ हुआ था, उस वक्त तक बारूद ग्रेनेड्स इनके जो होल होते हैं उसकी एक स्मेल, खास एक स्मेल होती है पाउडर की, वो बर्न थी, और खून जो था वो जब ज्यादा देर बाहर रह जाए तो वो फिर जम जाता है,
खून जमा हुआ था मगर फिर भी तर था और इनके किसी की ऐनक, किसी की घड़ी, किसी का कैलकुलेटर, किसी का पेन, किसी का नोटपैड, किसी का बैज एंड यू नो इट्स यार आई एम अ फादर, मैं भी हूं ना एंड द थिंग इज वेरी सिंपल. मतलब आप जब जाते हो ना ऐसी सिचुएशन में जाते हो, आप ना बड़ा ना कैलकुलेटेड तरीके से ताकि स्टोरी आपको समझ आए, आप रिपोर्ट कर सको, ईमेल कर सको, तस्वीर ले सको. एंड मतलब मैं करता रहा एक ऑटो पायलट पे, एक बॉडी आपकी काम करती है. पहले हमने ऑडिटोरियम देखा, समझा उधर जो फौज थी, जो अफसर थे उनसे समझा, अच्छा ये चार दरवाजे थे इसके, ये तीन दरवाजों से आए हैं, इन्होंने कवर किया है, तीन दरवाजों से कवर किए, एक दरवाजा इन्होंने खुला छोड़ दिया है ताकि वो ना पानी की तरह बेचारे बच्चे उधर से निकलें, और एक बंदा उधर खड़ा हो गया है ताकि वो जैसे निकलें एक ही फाइल में तो उसे उधर मैक्सिमम कैजुअलिटीज उधर हो, दरवाजे के बाहर, दरवाजे के बाहर रेडी था. कितने जानवर की जब स्ट्रेटजी देखी, वो स्टेज का वो हिस्सा देखा जिधर उन्होंने एक टीचर को जलाया, जिंदा जलाया, पहले दिखाया कुछ बच्चों को, पहले मारा, पैनिक क्रिएट किया, बिठा दिया, फिर एक टीचर को जिंदा जला दिया. जो ऑडिटोरियम था जिसकी तस्वीरें आप सब ने देखी होंगी, उसमें लग रहा था कि इधर कोई बहुत बड़ी फाइट नहीं हुई है, मगर सबसे ज्यादा नुकसान शायद इस मुल्क की तारीख में उस कमरे में हुआ था. वो प्लान के साथ आए थे, उन्होंने 16 दिसंबर का वक्त प्लान से चुना था. उन्होंने ऑडिटोरियम में उस वक्त जो फर्स्ट एड क्लास हो रही थी जिसमें मैक्सिमम बच्चा था, वो उन्होंने प्लान से चुना था. दे न्यू व्हाट दे वर डूइंग, उन्हें पता था कि क्या होना है और कैसे होना है. ये तो गुड लक है हमारा, साथ ही QRF लगती है, क्विक रिएक्शन फोर्स फौज की, वो आवाजें शवाजें सुन के डिप्लॉय हुई. एक जब पहले लड़का आया हमारी फौज का, वो प्रिपेयर्ड नहीं था, उसे नहीं पता था, दीवार फलांग के आया, उसने भी फायरिंग शुरू कर दी, वो समझ गए पूरी फौज आ गई है, हालांकि एक बंदा आया था. उससे उन्होंने जो ऑडिटोरियम में काम है उसे कम किया है और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक गए हैं जिधर उन्होंने लोगों को यरगमाल बनाया, वरना और देर हो सकती थी, और नुकसान हो सकता था अगर वो और देर स्पेंड करते और टाइम स्पेंड करते. पहले चंद मिनटों में काम हो चुका था, जो फिर घंटों जो फायर फाइट चली है, जो हम देखते रहे, सुनते रहे, पढ़ते रहे जिसके बारे में, वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में हुआ था. उधर फिर उन्होंने अपनी सुसाइड जो इन्होंने वो पहनी हुई थी वेस्ट, वो उन्होंने उड़ाई हैं. उधर फिर हमारे SSG कमांडोज आए, ज़रार कंपनी वाले आए, बहुत बहुत उधर सख्त लड़ाई हुई, काफ़ी घंटों चली. हमारे इंटेलिजेंस वाले सुनने लग गए, ये किससे बात कर रहे हैं, क्या ऑर्डर दे रहे हैं, क्या ऑर्डर ले रहे हैं, क्या रिपोर्टें दे रहे हैं. आपको पता है ये गिन भी रहे थे कि कितने बच्चे मारे हैं, गिन के बता रहे थे कि हमने जो गिना था इतने हो गए थे, इतने हो गए. जैसे आप अकाउंट बॉस को आप फोन करके अकाउंट लेते हैं. तो सर ये मतलब अंदर कितने लोग थे जो वो जो दहशतगर्द? एवेंचुअली 9 थे, इनमें से कुछ कुछ सजा भी हो गई है, सजाए मौत हो गई है. मगर ये बहुत बड़ा नेटवर्क था बॉर्डर के उस तरफ, इन्होंने ट्रेनिंग हासिल की उधर से, इनका जो फौज कहती है जो एडम निजाम, जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह है, जो इनके हैंडलर हैं, वो बॉर्डर के उस तरफ थे. उस बॉर्डर, ये कौन सा बॉर्डर? अफगानिस्तान का बॉर्डर. हम खुद गए हैं, हमने इस पे शो भी किया था आपके लिए. हम उस ग्राउंड में गए हैं जिधर इन्होंने ट्रेनिंग की थी, मैप्स इनके पास थे, हर चीज थी, दे वर रेडी. मुझे पहले शायद इतनी डिटेल्स नहीं पता थी, बट ये सुन के तो लाइक हद हो जाती है, बिकॉज किस तरीके से लाइक वो कैसे लोग थे, लाइक वो बता रहे, वो काउंट बता रहे थे वहाँ पे जाके अपनी, इतने बच्चों को मारा, ये किया, और फिर वहाँ पे वो सुसाइड बॉम्बिंग के लिए वो अपना वेस्ट पहन के आए हुए थे, फिर वहाँ पे उन लोगों ने पहले गोलियों से मारा है, मतलब कैसे, मतलब अजीब, और वो भी इतना स्ट्रैटेजी के साथ गए हुए थे. लाइक ये बता रहे कि ऑडिटोरियम में चार गेट्स थे, तो उन्होंने पहले तीन गेट से फायरिंग की, फिर एक गेट को खुला छोड़ा ताकि वहाँ से बच्चे निकले फनल की तरह, और फिर वहाँ से निकलने के लिए तो वहाँ पे एक बंदा खड़ा कर दिया. मतलब आप बच्चों को मारने के लिए इस तरीके की प्लानिंग करो जैसे आप युद्ध में जा रहे हो, और वैसे करो वैसे बात हो, बच्चों को मारने का सोच भी कैसे रहे हो, वो चीज़ समझ नहीं आ रही थी. तो ये जो इंटरव्यू था ना, ये पूरा दिल दहलाने वाला था कि इसमें क्या क्या वो डिटेल्स जो बता रहे थे ना, और इन्होंने जब वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस की होंगी तो इमेजिन नहीं कर सकता हूँ क्या है. मेरे को वो जो एक आर्मी सोल्जर था ना, जिन्होंने इनका नाम नहीं लिया, सिर्फ बताया कि वो एक आर्मी का बंदा था, वो बस आके गोलियां चलने लग गया, उसके लिए मतलब इतना है कि हाँ उसने काइंड ऑफ समझ लो कितनी जाने बचा ली होंगी, बिकॉज जितनी देर और होती ये तो ऐसे लग रहे थे कि बंदे की पता नहीं क्या सोच के आए, पूरा स्कूल ख़त्म करने का सोच के आए थे. लेकिन वहाँ पे उस एक बंदे की वजह से इनको ये हुआ कि नहीं भाई वो डर गए और कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैकआउट हुए, एंड कुछ काफ़ी सारे बच्चों की जान बच पाई, वरना तो जिस तरीके से जिस मतलब
वो मानसिकता के साथ वो लोग आए हुए थे, वो बहुत ही घटिया थी एंड बेकार, एकदम घटिया लोग हैं और उस तरीके से थे उनको, मतलब वो फांसी की सजा दी थी, उसके बजाय उनको तड़पा तड़पा के मारना चाहिए था कि एक बार पता लगे पूरी सबको कि कैसे तुम्हारा किया जाएगा, लेकिन ये बहुत बेकार था। पर मेरे ना दिमाग में यही क्वेश्चन है कि उनको यार इस चीज से क्यों करना क्यों था, उनको क्या मिला इस चीज को करके, मुझे समझ ही नहीं आता। लाइक ऐसे लोगों में इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है। लाइक हम लोग सोचो यार, एक नॉर्मल सा ना जानवर मान लो, इवन आप लोग एक बर्ड को मान लो, आपको उसके लिए भी इतनी हिम्मत चाहिए, इनको इतनी हिम्मत कहाँ से आती होगी यार। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि इनको यार ये जो इनको दिमाग में ये चीज़ कौन कैसे घुसाता होगा। लाइक देखो जैसे हम लोग जो पढ़ते हैं जो देखते हैं, ऑब्वियसली ये ह्यूमन माइंड है, हम वैसे ही बन जाते हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि लाइक इनके दिमाग में ये जाहिलता ये अनपढ़ता कौन घुसाता होगा, और इनको ये कितनी हिम्मत आती होगी यार कि एक बच्चे को मारना, और जब वो लोग चीख रहे होंगे तो मतलब नॉर्मली लोगों को ना खून देखकर भी होश हो जाता है, और इनमें सीरियसली इनकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी कि इनके हाथ नहीं काम पे छोटे छोटे बच्चों को मारने का। और सबसे दर्दनाक चीज़ मुझे ये लगी कि काउंट कर रहे थे बच्चों को, और इन्होंने एक टीचर को जिंदा ही जला दिया। और सोचो जरा मासूम बच्चों के सामने जब एक आदमी को जिंदा जला दिया होगा तो उन बच्चों की क्या हालत होगी यार। उस टाइम तो ऐसा लग रहा होगा कि दिल ना हाथ में आ जाने वाले। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये भी लगी कि यार ये जो बच्चे थे ना, ये नॉर्मल बच्चे नहीं थे, क्योंकि इनमें अलग ही इनको सीरियसली बच्चों को सल्यूट करने वाली बात है। क्योंकि जब उस बच्चे को 3-4 गोलियां लगी थी, उसका मतलब फिर भी उससे बोला कि आपसे हम कुछ पूछना चाहते हैं, वो मरने की हालत में था, तब भी उस बच्चे ने बोला जो आप पूछना चाहते हो पूछ लो। और इवन नॉर्मल इंसान ऐसे नहीं होते भाई, मैं इन बच्चों की ना हिम्मत को सल्यूट देती हूँ। और मैं ऐसे बोलती हूँ कि ये जो बच्चे थे ना, ये अलग ही किस्म के बच्चे थे, ऐसे नॉर्मल नहीं हो सकते। और दूसरी तरफ जो वो लोग थे, वो अगर सीरियसली जन्नू वगैरह है तो वो लोग उधर ही जाने वाले, और इनको पता नहीं इनके साथ क्या होने वाला है। अगर कुछ होता है ना बुरा, तो उनके साथ बच्चे बदतर होना चाहिए। और मुझे ऐसे लगता है ना, जो लोग बुरा करते हैं, रेप करते हैं या फिर ऐसे कुछ अटैक्स वगैरह करते हैं ना, उनको यार सिंपल मौत देनी नहीं चाहिए। जैसे उसको जिंदा जला देना, उसको उन लोगों को भी जिंदा जला देना चाहिए, या फिर उनको ना जो मतलब बेसिकली जनता देती है ना मतलब सजा, वो देनी चाहिए। और ये सिंपल सी इनको ऐसे मौत नहीं मिलनी चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। तो आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो, इनको क्या जो ये सिंपल सी फांसी दे देते हैं वो ठीक है, या फिर इनको तड़पा तड़पा के मारना चाहिए जैसे ये लोग बाकी को मारते हैं? तो प्लीज वो चीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो एंड था ना उसमें वो वही बता रहे थे कि लाइक वो बच्चों के साथ वो किस तरीके से, और लाइक वही अगर आप सोचो जैसे अगर वो अगर बच्चे अलग अलग क्लास में होते तो शायद वो टेररिस्ट को अलग अलग जाके ये करना पड़ता है कि क्लास में, तो वही बता रहे कि उन्होंने एक क्लास को एक ऑडिटोरियम को टारगेट किया, वहीं पर उन्होंने पूरा किया। और बच्चे सीख भी फर्स्ट एड रहे थे, लाइक वो अपने आप को छोटी चोटों से बचाना सीख रहे थे, किसी को दूसरे को चोट लगी हो तो बचाना सीख रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि गोलियों की बरसात हो जाएगी। तो ये बहुत ही बेकार था। आप लोगों को ये कैसे लगा कुछ जरूर बताएगा, इसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए, सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।